रहिया जवान समर जी और गौतम जी द्वारा अश्लीलता के विरुद्ध में एगो अभियान चलावल जा रहा बा, देख लिए। आशा करते हैं कि आप सब इनको जानते पहचानते होंगे। नमस्कार, सबको नमस्कार प्रणाम। तो हम आज सिर्फ कोठा पुत्र के वीडियो नहीं दिखाएंगे, हम ऐसे सारे लोगों का वीडियो आप सब हम ऐसे तमाम लोगों का वीडियो दिखाएंगे जो हमारे आने के बाद किस तरह से अपना प्रक्रिया फेसबुक के लाइव आने के माध्यम से दिया है। तिल मिलाने लगे थे तो दो लड़के हैं गया के मगहिया जवान नाम के कोई फेसबुक चलाते हैं। बस इतना ही नहीं, आप लगातार वीडियो में बने रहिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन दिखाएंगे कि मगहिया जवान के आने के बाद कितना परिवर्तन हुआ है अश्लील कलाकारों में। ये जो ड्रामा किया है ना, ये देख लीजिएगा, ये धीरे धीरे अपना यूट्यूब चैनल खोलेगा। एक दो कलाकार से देखा, छोटे कलाकार से अपना गाना भी गवाया है। दो भाई है हमारे, मगहिया जवान करके आईडी है उनकी, हमने देखा उन लोगों ने अश्लीलता के खिलाफ मुहिम छेड़ रखा है, बहुत अच्छा लगा। इनमें कुछ लोग हमारे जरिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित भी किए गए थे। हमारे तरफ से मगहिया जवान गौतम जी आपको और समर जी को, क्योंकि वो लोग पिछले दौर से ही अश्लीलता का विरोध करते आ रहे थे। गौतम जी, मगहिया जवान दोनों भाई के, तो हम भी चाहें कि वैसे लोगों को जोड़ना चाहिए, पे जोड़ना चाहिए। और मगहिया जवान को बहुत बहुत धन्यवाद। तब इसलिए दिखा रहे हैं, फिर से देखिए, अब तिल मिलाइए नहीं, वीडियो निरंतर जारी रखिए। हम आज ये समझाने आए हैं कि मगहिया जवान के प्रकट होने के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री के अश्लील कलाकारों में कितना सुधार हुआ है। हाँ तो ये भी देख लिए ना, तो आपको ऐसा लगता होगा कि गाली सिर्फ और सिर्फ मगहिया जवान ही देता है फेसबुक पे आके। तो चलो एक मिनट मान लिए, मान भी लेते हैं, लेकिन कहीं इस गाली से तो ज्यादा हम शायद नहीं देते हैं। तो तमाम आप सब छोटा छोटा क्लिप देखे होंगे, दिखाने का मकसद अपना यही है कि आप समझदार हैं, समझें, क्योंकि बिना एविडेंस के तो आप समझेंगे नहीं। लोग यही कहे का हो गया, आज भी वही है। तो बउआ, जो परिवर्तन हमनी के प्रकट होला के बाद हुआ है ना, वो शायद इतिहास में पिछले में कभी नहीं हुआ था। हालांकि चलिए मान लेते हैं कि अभी थोड़ा बहुत अश्लील गाना आ भी रहा है, लेकिन जो अभी पीछे आप क्लिप देखे हैं उनका अश्लील कलाकार नहीं था, काहे तिल मिला गया। सारे अश्लील कलाकार ही थे, सारे लोगों का हमारा अवतार होने के बाद रोंगटा खड़ा हो गया था। खैर, रोंगटा आज भी खड़ा है। गाने के बाद, बजाने के बाद एक बार मगहिया जवान याद जरूर आता है कि क्या कहेगा इस गाने को लेके। खैर, तमाम हम वीडियो दिखाने के बाद आप सबको बताना चाहेंगे कि हालांकि कई वर्षों से अश्लीलता का विरोध करते हुए हमारे आदरणीय गार्जियन श्री नंद कुमार तिवारी बाबा भी कर रहे थे, हमारे आदरणीय गार्जियन सुधीर भैया छपरा वाले भी कर रहे थे, लेकिन परिवर्तन कितना हुआ, मुद्दा एक करता है। बिल्कुल हाँ, हम मानते हैं कि हमने कड़ा भाषा का प्रयोग किया है, गाली का नहीं, फिर बोल रहा हूँ, कड़े शब्दों का प्रयोग किया है, दो अर्थी जिसको बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर प्यार से मानना होता तो उनको भी दौर में मान गए होते। नंद तिवारी बाबा पिछले 10 साल से प्रयास कर रहे हैं, निरंतर जाते हैं। जो लोग ये बोलते हैं कि जमीनी स्तर पर उतर के करो, तो नंद बाबा यही काम करते हैं। आपको बता दें कि वो जमीन पे जाते हैं, सबको समझाते हैं कि अच्छा लगी माई बहन के सुनाई था सुनबा, मतलब हमनी सम्मान करते हैं उनको, और यहाँ तक हम लोग आदर्श भी मानते हैं, हम अपने मुहिम को लेकर स्पेशली। बिल्कुल, तो आप लोगों ने एक बात मतलब कभी केयर नहीं किया होगा कि किसी कलाकार ने आज तक ये आकर क्यों नहीं कहा कि हमारे गार्जियन स्वरूप बाबा इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना प्रार्थना कर रहे हैं, शायद कभी आकर कह दे बाबा अब गलती नहीं होगा। काहे नहीं कोई बोला कि बाबा का काम सराहनीय है, काहे नहीं कोई ऐसा कह दिया भाई, हमारे आने के बाद ही क्यों लोग तिल मिलाने लगे, क्यों धमाल मचने लगा भाई, क्यों आज हर किसी के मुंह पे है कि विरोध का मतलब मगहिया जवान। चलिए मानते हैं आपको भेजा में ना घुस रहा होगा कि काहे, लेकिन जानते हैं जो शब्द वो इस्तेमाल करते हैं सेम वही शब्द हम इस्तेमाल करके और उनको आईना दिखा दिए, विश्वास नहीं था। देख लीजिए गाना, अपने घर में अपनी बहन को सुनाओगे,
देखे ना अभी थे बाबा, सेम ऐसा ही भाषा अपना भी रहता है कि बेटा जे गनवा गा रहे हो तो मैया सुनेगी, तोर बहनी सुनेगी ना ना, तो फिर हमनी के कैसे सुनेगी? हमनी थोड़ा सा मिचाई डाल देते हैं एकरा में। खैर अब लाख प्रयास और लाख गुहार के बाद प्रकट हुआ मगहिया जवान। आप साक्षात देख लिए कि कितने लोगों के जुबान पे आ गए हम, और लगा। हालांकि देखिए हम कड़ा शब्दों का प्रयोग तभी करते हैं, एक कहावत है कि जो जिस भाषा में समझाए उसी भाषा में, हम लोग निरंतर उस समय से समझाते आ रहे हैं और भाषा को आज भी जारी रखे कंटिन्यू। हमको लगा कि लगता है कि हमारे भाषा से नहीं समझेगा, और कहीं ना कहीं समझ भी रहा है, समझ भी रहा है, समझा भी। लेकिन बहुत लोग का कमेंट में देखते हैं, भाइयों का नाम नहीं ले पाते हैं तो माफी चाहेंगे, आज आपका नाम तो नहीं लेकिन आपका कमेंट हम पढ़ दे रहे हैं। भाई कहते हैं कुछ हुआ या ना हुआ मगहिया जवान के आने में, लेकिन एक बार बहन बेटी का गाना तो बंद हो गया है, नाम से जो आने वाला गाना रहता था, जातिवादी गाना तो बड़ा कलाकार बंद कर दिए हैं, बहुत बहुत। और बाकी अश्लील भी कितना बंद है ये तो खैर दिख रहा है आपको। हम वैसे कलाकारों का हम बिल्कुल विरोध नहीं करते हैं जो हमारे मुहिम के साथ हैं। अब जैसे इसी में देख लीजिए ना, कल्लू जी, अंकुश राजा, बिल्कुल इस पर आप पिछले 3-4 महीने से वीडियो नहीं आते देखे होंगे, उसका कारण है ना, चुप हैं वो लोग, नहीं गा रहे हैं और उनका गाना बढ़िया वाला जो है वो चल भी रहा है, बिल्कुल मौका ही नहीं हमारा दे रहे हैं। आई जो पहला क्लिप आप देखे वो था कोठा पुत्र के, हाँ तो कोठा पुत्र के वो चर्चा हम नहीं कर दे, कोठा पुत्र आज से 2-3 दिन पहले के लगातार इंटरव्यू मतलब लेके आ रहा है, साफ शब्द में कि आज कोई भी जा रहा है उसके पास तो मगहिया जवान का सवाल जरूर कर रहा है, वो हर इंटरव्यू में ही कह रहा है कि अश्लीलता कहाँ है, और ना देखते हैं वीडियो में, नहीं देखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई वीडियो देखता है वो कोठा पुत्र देखता है। अब कैसे कहे की इंटरव्यू में ये भी बोल रहा है, कह रहे उन्हें बहुत गली आता है, और वही कोठा पुत्र है कि जब बेटा है उसको ना मगहिया जवान को अपना आधार कार्ड भेजना पड़ा था तब उससे बात करने हुआ के लिए, समझे कि नहीं। खैर मगहिया जवान ने कितना परिवर्तन लाया और कितना परिवर्तन किया आपके सामने साक्षात आज हम दिखा दिए हैं। हालांकि ऐसा वीडियो हम नहीं चाहते थे लाना, लेकिन ये वीडियो हमको लाना पड़ा। अभी नया नया व्यूअर हमारे साथ जुड़े बहुत हैं, बहुत लोग नए जुड़े हैं जो इस वीडियो को नहीं देख पाए थे, बिल्कुल है ना। तो लगातार बने रहिए और आप सब अगर हमारे साथ रहेंगे तभी अश्लीलता में रोक लगेगा और बिहार का एक नया पीढ़ी अश्लीलता से बचेगा, बिल्कुल। और एक बार फिर आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, निहोरा है कि इस चीज को जो अश्लीलता का हम लोग विरोध में जो वीडियो बनाते हैं, जो एपिसोड रहता है, कहीं पर ही किसी भी जाति को लेकर टारगेट नहीं किया जाता है। और जातिवाद को बिल्कुल मत लीजिए, हम अगर किसी को बोलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक कलाकार को होता है, ना कि पूरे जाति को होता है। और हर बार आप सबको बोलते हैं, आज हम लोग 5 दिन से एपिसोड कुछ नहीं बना रहे हैं, तो हो सकता है कि कल आने वाले दिन में रितेश पांडे टपक जाए, पवन सिंह टपक जाए, बिल्कुल गुंजन सिंह टपक जाए, खेसारिया टपक जाए, टपक जाए तो हमारा क्या गलती है? सपोज अगर खेसारिया ही टपका, हाँ तो हम छोड़ तो नहीं देंगे, तो नहीं फिर कहोगे कि टारगेट करता है, तो भैया अगर पहुंच है ना तो पप्पा को मना कर दो। हम इंतजार करते हैं, हम नशा में ना रहता कि पी के टल्ली है, आज संडे है था, आज मंडे है था, ऐसा कुछ नहीं है, हम इंतजार करते हैं निरंतर। खैर समझदार लोग तो हमें समझते हैं और वहां दिमाग वाला के लिए हमारा एपिसोड नहीं है, मतलब यहां दिमाग वाला के समझ रहे हैं ना। बाकी देखिए और विचार कीजिए, और समर्थन आप सबका बेहद जरूरी है क्योंकि आपके बिना हम भी नहीं के बराबर है, सही बात है। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लास्ट में खूब शेयर कर दीजिएगा, फिर मिलते हैं किसी और एपिसोड में किसी और दिन, तब तक के लिए विदा अलविदा, जय मगध, जय बिहार।